हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे हम, अब जो ईवीएस करवा रहा था मैं आपको चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की बुक का, जिसमें मैंने आपको 13 चैप्टर तक करवा दिया था। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 14 चैप्टर के बारे में, जो कि आपकी यात्राएं यानी कि ट्रेवल से रिलेटेड आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उसके बारे में। ओके, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके पॉइंट पॉइंट लिख रखे हैं, टोटल मैंने आपको इसमें 40-45 पॉइंट लिख रखे हैं, जो कि बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर मैं आपको एक वीडियो में दूंगा। तो इसलिए मैं आपको ये जो चैप्टर कराऊंगा वो दो वीडियो में करवाऊंगा। ओके, तो जिससे आपको आराम से समझ में भी आएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि किस प्रकार के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पॉइंट वाइज शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, ये जो बना रखा है मैंने पूरा एनसीईआरटी बेस है, थर्ड चैप्टर से लेकर यानी कि थर्ड क्लास से लेकर सिक्स फिफ्थ क्लास तक की जो बुक्स होती है वहां तक की पूरी आपको यहाँ पर जोड़ मिल जाएगा उसका। ओके, तो पहला पॉइंट क्या बोल रखा, देखिए, पैरों की हड्डी टूटने पर 6 सप्ताह का प्लास्टर चढ़ता है। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सोहन का खेलते समय पैर टूट गया था, तो उसका जो प्लास्टर है वो कितने सप्ताह के लिए है, उसका पैर जो है वो कितने सप्ताह के लिए या कितने सप्ताह में ठीक हो जाएगा। तो पैर टूटने पर जो हड्डियां उसकी टूट जाती है तो उसके लिए जो प्लास्टर चढ़ा जाता है वो कितने हफ्ते के लिए चढ़ाया जाता है, 6 हफ्ते के लिए चढ़ाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि पैरों की हड्डी टूटने पर आपका जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो 6 वीक यानी कि 6 हफ्ते के लिए चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि बच्चों को सफर में डायरी व पेन रखना चाहिए। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि स्कूल में आपका क्षेत्र भ्रमण के लिए आपको हिस्टोरिकल प्लेस में ले जाया गया, तो वहां पर ले जाने के साथ साथ आपको किस चीज की आवश्यकता होगी। तो वहां पर आपके 4 ऑप्शन थे, पूरे दिनचर्या का बैग, पूरे दिनचर्या का सिलेबस की बुक्स, या आपका पेन या डायरी, या फिर उसके साथ इनमें से कोई नहीं, लास्ट ऑप्शन था। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सफर पर या कहीं हिस्टोरिकल प्लेस में ले जाया जाए क्षेत्र भ्रमण के लिए, तो 2 चीज आपके पास जरूर होनी चाहिए, एक डायरी और एक पेन। किस लिए? क्योंकि वहां पर किसी भी चीज को आपको ना पता हो तो उसको नोट डाउन कर लेना जरूरी चीजों को, और बाद में या उसी टाइप आप अपने शिक्षक से, अध्यापक से, टीचर से पूछ सकते हो उसके बारे में। ओके, तो सफर में हमेशा क्या रखना चाहिए अपने साथ, डायरी और एक पेन आवश्यक होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, गांधीधाम स्टेशन गुजरात में है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टेट में कौन सा आपका स्टेशन है, जैसे कि आपका गांधीधाम कई बार पूछा जा चुका है। तो गांधीधाम स्टेशन कहां पर है आपका, गुजरात में है। और यहां से ध्यान रखिएगा, जो आपका भारत का नक्शा है वो आपको, जो 29 राज्य है वो आपको पता होना चाहिए था कौन सा राज्य किस दिशा में है और कौन से ट्रेन से हम जाएंगे तो कौन कौन सा राज्य आएगा बीच में या नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गुजरात के प्रमुख खाद्य, यानी कि जब आप गुजरात स्टेशन पर या वहां पर जाओगे राज्य में, तो वहां पर अधिकतर आपको क्या मिलेगा खाने को, ढोकला, चटनी, चावल या मिठाइयां, ये अधिकतर आपको खाने को मिलेगी वहां के रेलवे स्टेशन पर। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट है आपका कि ट्रेन चलते समय बाहर की चीजें उल्टी दिशा में भागती दिखती है। तो देखा होगा आपने, जब ट्रेन की खिड़कियों के सामने बैठते हो तो वहां पर जो भी चीज आपके सामने आएगी वो उल्टी तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप आगे की तरफ जा रहे हो तो सारी पीछे की तरफ जाएंगी, उल्टी दिशा में ये सारी चलती है। नेक्स्ट है, सूरज डूबते समय आसमान का रंग सतरंगी होता है। तो आपने देखा भी होगा, जब आसमान में जब सूरज डूबता है शाम के टाइम पे तो हल्का हल्का सा रेडिश रेडिश सा होता है, लाल लाल सा होता है, सतरंगी सा होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जो आपको मैंने मैंने आपको कलर बताया था विविग्रो, वही आपका सूरज के साथ भी होता है। तो जो बादल होते हैं, जैसे कि आसमान का अगर आपसे पूछा जाए कि आसमान का प्योर रंग क्या होता है, चलो मैं ही आपसे पूछ लेता हूं कि अगर आपको पता है आसमान जो है हमारा उसका प्योर रंग यानी कि जो हमें दिखता है रंग, उसका असली रंग कौन सा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपका आसमान जो है वो उसका रंग कौन से रंग का है। ओके, अब बात कर लेते हैं, सूरज जो डूबता है, जो विविग्रह होता है ना, उसमें जो रेड कलर होता है ना, वो उसकी जो मात्रा होती है, जो उसकी तीव्रता होती है, वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जब सूरज डूबता है तो आपका वो रेड रेड सा सतरंगी सा दिखता है उसके कारण। ओके, नेक्स्ट है आपका, वलसाड स्टेशन गुजरात में है, यहाँ बटाटा वड़ा और पूरी साग मशहूर है। तो ये भी डायरेक्टली पूछा जा चुका है कि आप यहाँ से यहाँ तक जाते हो वलसाड स्टेशन तक, तो वहां पर जाने पर आपको किस प्रकार की खाद्य सामग्री ज्यादा देखने को मिलेगी, तो बटाटा वड़ा और आपको पूरी साग जो है वहां पर अधिकतर खाने को मिलेगी। ओके,
नेक्स्ट है आपका कोझिकोड केरल में है, तो आपका डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कोझिकोड हो गया केरल में, मडगांव हो गया आपका रेलवे स्टेशन गोवा में, अहमदाबाद हो गया आपका एक ऐसा शहर है आपका गर्म शहर है, ओके। और अहमदाबाद आपको पता भी है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ओके। तो अहमदाबाद आपका गुजरात में, जो कि एक आपका गर्म शहर है। नेक्स्ट है आपका उद्दीपी स्टेशन केरल में है, ध्यान रखिएगा उद्दीपी स्टेशन कहां पर आपका केरल में है, और यहां नारियल के पेड़ होते हैं, वह चावल की खेती होती है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका कि वह कौन सा राज्य है जिसमें अपने आंगन में ही नारियल का पेड़ लगाया जाता है, तो केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर आपका घर होगा यानी कि आंगन होगा, आंगन में ही आपको एक दो नारियल के पेड़ देखने को जरूर मिल जाएंगे, ओके। तो ध्यान रखिएगा एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका था। नेक्स्ट है आपका कि केरल में पहनावा सफेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियां हैं, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप केरल साइड में देखोगे तो वहां पर जो क्रीम कलर की या सफेद कलर की साड़ी और या आदमी क्या पहनते हैं, लुंगी या आपका धोती पहनते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका कि गुजरात से केरल तक पहुंचने में बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि गुजरात से केरल तक जाने में आपके बीच में कौन कौन से राज्य होंगे, या फिर आपका दिल्ली से पूछ लिया जाएगा कि बिहार तक जाने में आपके कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा गुजरात से आप केरल जाते हो तो उसके बीच में आपके महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पाए जाते हैं या होते हैं, तो डायरेक्टली मैंने आपको बोला भी था कि कौन सा राज्य कहां पर है, वो आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, मैप एक बार पढ़ के जाइएगा पेपर देने से पहले, ओके। नेक्स्ट है आपका कोट्टयम स्टेशन, यानी कि जो कोट्टयम है वो आपका स्टेशन कहां पर है, केरल में है। नेक्स्ट है आपका फेरी, जो कि मैंने आपको बताया था नाव को बोलते हैं, नाव अपने ठिकाने यानी कि टापू पर खड़ी होती है, जो कि नाव के लिए खड़ी करने के लिए आपको एक जगह होती है, जैसे आप अलग अलग से सेलरमैन होते हैं वहां पर देखा भी होगा आपने, तो क्या होते हैं, टापू होते हैं। नेक्स्ट है आपका अहमदाबाद से कोट्टयम तक रेल से 47 घंटे 55 मिनट लगते हैं, अगर आप अहमदाबाद से यानी कि गुजरात से कोट्टयम केरल जाओगे तो आपको कितने दिन लगेंगे, 47 घंटे 55 मिनट लगेंगे, तो लमसम आपको 2 दिन लग जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका पुणे से कोलकाता तक ट्रेन से जाने में 2 दिन लगते हैं, कैसे, पुणे से कोलकाता जाओगे आप तो आप क्या हो गया, बिल्कुल उल्टी दिशा में होगे, ओके, पूरा पश्चिम हो गया, तो आपको कितने दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे। रेलवे टिकट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अगर आप रेलवे टिकट खरीदते हो तो उसमें क्या क्या मिलेगा आपको देखने को, टिकट क्रमांश मिलेगा, यात्रा आरंभ स्थान यानी कि जो स्थान होगा वहां मिलेगी, प्रस्तावना जो आपकी तिथि होगी वो मिलेगी, सीट एवं डिब्बा क्रमांश मिलेगा, किराया एवं दूरी किलोमीटर में लिखी होती है, तो ये जो होगा आपका ये तो जरूर देखने को मिलेगा आप स्टेशन से टिकट खरीदते हो तो। अगर आप ऑनलाइन टिकट बनाते हो तो इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, जो यात्रा कर रहे हैं उनके नाम देखने को भी मिलेंगे, लेकिन आप स्टेशन से बनाते हो तो उस टिकट में नहीं मिलता है, तो डायरेक्टली ऑप्शन ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अगर आप टिकट खरीदते हो तो उनमें किस किस चीजों को देखा जा सकता है, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके रेलवे टिकट पर देखने को मिलेगी आपको। नेक्स्ट है आपका कि बांद्रा से रतलाम की दूरी रेल द्वारा 643 किलोमीटर है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए मैंने इसमें पुट अप कर दिया, कितने किलोमीटर है, 643। नेक्स्ट है आपका मलयालम में पिता के छोटे भाई को चिटप्पम, ध्यान रखिएगा यानी कि चाचा को जो बोलते हैं वो मलयालम में क्या बोलते हैं, चिटप्पम बोलते हैं, और पिता के छोटे भाई की पत्नी को यानी कि आपकी जो चाची होंगी उसको क्या बोला जाता है, कुंजम्मा, ध्यान रखिएगा चिटप्पन और कुंजमा कहते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आबू धाबी रेगिस्तानी इलाका और वहाँ खजूर के पेड़ बहुत होते हैं, यानी कि जो आपकी खजूर की खेती होती है अधिकतर वो कहाँ होती है, सऊदी अरब यानी कि आपका आबू धाबी में बहुत देखने को मिलती है, क्योंकि वो कैसा इलाका है, रेगिस्तानी इलाका, और खजूर वहाँ पर काफ़ी अच्छे उगते हैं। नेक्स्ट है आपका आबू धाबी की मुद्रा धिराम व भाषा अरबी होती है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपकी धीराम की जो होती है मुद्रा का वो कहाँ की है, तो वहां पर आपको ऑप्शन 2 मिलेंगे, एक आबू धाबी और एक दूसरा आपका क्या मिलेगा, जैसे कि आपने दुबई की साइड को होता है आपने देखा होगा, वो आपको जरूर देखने को मिलेगा, ओके। तो जो मुद्रा धीराम है वो कहाँ की मिलेगी आपको, आबू धाबी की, और वहाँ की जो भाषा है वो क्या है, अरबी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली काफी बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका ले सूखा समतल व ठंडा रेगिस्तान है, ध्यान रखिएगा सबसे कम जगह वर्षा होती है यहां पर, और अगर आपसे पूछा जाए वो कैसा इलाका है, तो ले आपका सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर देखा भी होगा आपने, अधिकतर जो रेगिस्तान होते हैं वो कैसे होते हैं, गर्म होते हैं, लेकिन ले का आपका ऐसा रेगिस्तान है जो कि कैसा है, ठंडा रेगिस्तान है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा ले आपका कैसा है, ठंडा रेगिस्तान इलाका है, ओके।
तो यही कुछ इंपॉर्टेंट 23 पॉइंट्स करवाने थे, बाकी जो आपके पॉइंट्स बचे हैं 23-24 पॉइंट्स और बचे हुए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा जो कि आपको सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।